आज हम है संजय जी के साथ हैं, हमारे पहलवान हैं, हमारे पूरे इलाके की शान है। इनके अंदर जो ताकत है वो एक प्राकृतिक एक संसाधनों के द्वारा ही इन्होंने प्राप्त की है, और अपनी पूरी मेहनत से इन्होंने अपने आप को इतना इस लायक बनाया है कि लोग इनसे मिलने के लिए टाइम लेते हैं, समय लेते हैं। और अरावली में जैसा कि हमारे जो नगर निगम के जो महा मतलब समझदार लोग कुछ अरावली में जो कचरा घर बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम संजय जी से बात करना चाह रहे हैं। संजय जी, आपका क्या विचार है कि कचरा घर जो है वो अरावली पर्वत पे बनाया जाए या नहीं बनाया जाए? देखो, अगर जो कचरा घर बना रहे हैं उनके घर में ही इजाजत दे वो कचरा घर बनाने की, तो फिर तो बना सकते हैं। और मुझे लगता है जितने भी अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बस कहीं ना कहीं लोभ लालच के चक्कर में आकर और ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो कार्य जो आप कर रहे हो उससे आपको तन मन धन तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा आपसे दूर हट जाएगा और आपको जो अशांति प्राप्त होगी, आपके जिंदगी में इतनी बड़ी घटना घटेगी आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे वो है उनको रहने दे, जैसे नदी है, पर्वतमालाएं है, उनके साथ वो तुम्हारे घर जा रहे हैं क्या, तुमसे कुछ ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कहीं कचरा घर बनाने का इतना ही शौक है, कचरा घर बनाना चाहते हैं नगर निगम फरीदाबाद की, तो कहीं और जाकर बनाइए अधिकारी, और ऐसी जगह बनाइए वहां भी जहां दूर दूर तक कोई गांव ना हो। ऐसे जगह वेद पढ़िए, वेद आगे अभी आपने किताबें पढ़ी है, वेद तो पढ़े नहीं है, उसमें पर्वतमालाएं कहिए जहां हमारे भगवान देवता ईश्वर वास करते हैं, और आप ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारे पेड़ पौधों से, हमारे पर्वत से छेड़छानी कर रही है। आप कभी सुखी नहीं रह सकता, आपका परिवार ये गारंटी देता हूँ, जितने भी अधिकारी हैं। इसलिए इन पत्रों को वापस लो और कहीं और जाकर बनाओ। बिल्कुल कचरा मुक्त फरीदाबाद, कचरा मुक्त पाली मोहताबाद। जय गौ माता की, राम राम जी।